मैं वो प्रिया प्रकाश का जो है मूवी का गाना है इस पर काफ़ी मुस्लिम्स ऑफेंड हो रहे हैं और काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। आईपीसी की धारा 295A रजिस्टर्ड हुई है उनके डायरेक्टर पे, उस मूवी के जो डायरेक्टर है। हैरत की बात यह है कि जो डायरेक्टर थे वो खुद मुसलमान हैं और उनको पता था वो क्या करने वाले हैं। मैं मानता हूँ कि पूरा का पूरा गाना बीबी खदीजा वाइफ ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड हिज फैमिली के ऊपर था, और मैं मानता हूँ कि उससे पूरे जो लिरिक्स विरिक्स है जो भी इसमें वर्डिंग यूज़ किया है पूरा उन पर डेडिकेटेड है। पर जो भी वर्ड यूज़ किए गए हैं वो पूरा का पूरा एक भी ऑफेंसिव नहीं है और कोई भी ऑब्सीन नहीं है, एवरीथिंग इज़ ट्रूथ। मसला है गाने की वीडियो पे, जो पिक्चराइजेशन किया था इस मूवी का उस गाने का उसके ऊपर मसला है कि वो लड़की आँख मार रही है और गाना प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर है, तो मसला इसका है। आई थिंक मुझे नहीं लगता इस पर कोई ऑफेंड होने वाली बात होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ऊपर गाने बनाए गए हैं। उनके उनके ब्रदर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर भी गाने बनाए गए, या अली मदद जो गाना था गैंगस्टर में, और भर दो झोली मन कुंतो मौला वॉज यूज्ड इन वन ऑफ द बर्ग मूवीज़, इसमें मरका एक मूवी थी उसमें यूज़ किया गया था। तो ऐसा नहीं है, मन कुंतो मौला तो उसमें भी था, कौन सी मूवी थी वो, इसमें रणवीर सिंह था, गुंडे गुंडे ही मन गुन तो मौला था। तो तब आप लोगों ने आवाज़ क्यों उठाई, तब रजा अकेडमी ने आवाज़ क्यों उठाई। मसला बस यही है कि इनको बस पब्लिसिटी चाहिए, पता चल गया इनको कि एक लड़की इतनी फेम हो गई है, मूवी काफ़ी पॉपुलर हो रही है, तो उनको लगा कि एक अच्छा मसला मिल जाएगा। पता नहीं लोग क्यों ऑफेंड हो रहे हैं छोटी सी चीज़ पर, जबकि इसमें उल्टा लिरिक्स वॉज सो ब्यूटिफुल, इतनी अच्छी बात की है, एटलीस्ट मेरे ख्याल से इस पर और रिस्पेक्ट दी है वाइफ बीवी खदीजा सलामुल अलैहि को, तो कोई ऑफेंड वाली बात नहीं लगती मुझे उसमें।